गुड मॉर्निंग अगेन फ्रॉम गोवा. आज भी जैसे कि कल की तरह ही, जैसे बारिश ने हमारा थोड़ा बहुत प्लान, क्या ये तो नहीं कह सकते कि स्पॉइल किया, बट थोड़े डिलेज, दैट काइंड ऑफ स्टफ. अभी भी बारिश लगातार एज इन की यहाँ पे ऐसा होता है कि दो मिनट हो जाती है ऑल ऑफ अ सडन और फिर एकदम से रुक जाती है. अभी भी वही हाल है होटल में ही. अभी इट्स 9:30 राइट नाउ और फिलहाल हमें यहाँ पे ब्रश करने के लिए पेस्ट नहीं मिल रहा है. अब हम लेने जा रहे हैं बाहर और हम जाएंगे बारिश में. ये होगा हमारे लिए टास्क. वी आर अ रोडी. तो देखो अब बाहर जा रहे हैं, हमारे कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट है वो मेन है करना, वो भी टाइम लिमिट है. तो अब 10 o'clock तक हम ब्रेकफास्ट कर सकते हैं. तो अभी हम जा रहे हैं बाहर बेसिकली, ये तो नहीं मैं जाऊँगा टूथपेस्ट लेने, उसके बाद हम टूथब्रश करके नीचे ब्रेकफास्ट करेंगे. ब्रश हो गया सारा, गुरु तो नीचे खाना शुरू हो गया है. ऐसी भीड़ लगी नीचे, बूफे लगाया ब्रेकफास्ट का, क्या बताऊँ. मैंने ब्रश कर लिया, अब चलो पेट पूजा करने. सो बहुत सारी इंतज़ार के बाद अभी टाइम हो रहा है आपका 12 बज रहे हैं और हमने प्लान किया कि हम गंदे कपड़े पहन के बिना नहाए धोए निकल जाएंगे बीचेस घूमने, क्योंकि हमने गीला होना ही है क्योंकि बारिश हो ही रही है. बारिश रुकने का नाम तो ले नहीं रही, अब हम तो एंजॉय करने आए हैं. तो ऐसे ही बस अभी हम बीचेस जा रहे हैं. लेट्स सी, हम कैलंगूट और बागा अभी सोच रहे हैं, इसके बाद देखते हैं कहाँ जाते हैं. पहले तो अभी हम स्कूटी पे निकल रहे हैं अपनी एक वाटर प्रूफिंग लेके, एक बैग के साथ कैमराज की. वाटर प्रूफिंग मीन्स एक पॉलीथीन. बीच आ गए हैं. जैसे जैसे हमने कैमरा निकाला है हल्की बहुत सी बारिश हो रही है, तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सिमिलर केस ही है. हम बस यहाँ पे 5 मिनट देखने के लिए आए थे क्योंकि वैसे तो कैलंगूट से पैदल का भी रिश्ता है यहाँ का 5 मिनट का. अभी मेनली हमें जाना है गोंडला बीच. बेसिकली क्या है, जैसे अब यहाँ से पीछे से आओगे कैलंगूट है, ये बागा है और यहाँ पे पहाड़ है. यहाँ पे ये इस पहाड़ के पीछे कहते हैं कि गोंडला बीच है. थोड़ी बहुत बारिश, मतलब अब तो बहुत ही हल्की हो रही है. अभी इस टाइम अंजुना बीच आए हैं जो कि वहाँ से थोड़ा दूर था. कैलंगूट बागा ये सब पास हैं, अंजुना थोड़ा सा दूर है. यहाँ पे बेसिकली सैंड वाला बीच नहीं है बट मैं मरीन ड्राइव की फील्स आ रही है, जैसे टीवी में देखा है मुंबई में मरीन ड्राइव देखिए सारे पत्थर वत्थर कितने भी सारे ऐसे होते हैं. यहाँ तो अभी मुझे क्रैब व्यू चलता हुआ दिखा है. मैराथन पे आज बीच मैराथन. अब जा रहे हैं चौथा बीच हमारा जो है कौन सा, वैगाटोर. वैगाटोर भी ब्यूटीफुल है काफी. बेसिकली यहाँ पे दो चीजें हैं, एक होगा आपका व्यू पॉइंट और जहाँ पे हम खड़े हैं थोड़ा टॉप पे है, जैसे यहाँ से नीचे में सारी व्यूज वगैरह दिख रही हैं. और नीचे जाके आपका पड़ता है वो बीच, वो साइड सारी बीच है. यहाँ से रास्ता है नीचे जाने का यहाँ से, और आपका वहाँ पे बीच है उस साइड पे, वो भी यहाँ से काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है. बट व्यू पॉइंट है उतना ही मज़ा, यहाँ से बहुत बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ से भी. इसके बाद में भी हम बैक वापस होटल जाएंगे और वहाँ पे पूल में अपना पूल साफ करेंगे. 9:05 और अब हम निकल रहे हैं होटल से. होटल में हम आ गए थे 1:30-2 बजे के आसपास. उसके बाद सिर्फ और सिर्फ किया गया है स्विमिंग. स्विमिंग मतलब कि गुरु को तो फोबिया था पानी का, रादर उसने एक अंकल ने हमें क्या फ्लोट करना सिखाया. ये तो मतलब परफेक्ट स्विम मार रहा है, थोड़ा सा मतलब लैप्स मार रहा है प्रॉपर. उसके बाद घर आ गई, अब तो भी डर नहीं है. घर फोन करके बता रहा है कि क्योंकि इसकी थोड़े कुछ बैक के प्रॉब्लम्स भी रहे हैं पहले,
एंड स्टफ. तो अब तो काइंड ऑफ प्रो. अब हम निकल रहे हैं हमारे होटल में कैरियोके नाइट आज, जो हमने थोड़ी बहुत इंजॉय भी किया. बाहर हम जा रहे हैं, कुछ बहुत तेज़ भूख लगे क्योंकि हमने कम से कम 3.5 या 4 घंटे स्विम किए. चार मतलब अगर हमें नहीं भी आ रही तो भी कितनी कैलोरीज बन होती है. इतनी गंदी भूख लग रही है कि क्या ही बताऊँ. रेडी हो रहे होके क्योंकि हम बीचेस के बाद भी हमें इतनी सैंड थी कपड़ों में, उसका करने कुरने साफ सुथरा करने होने के बाद अब हम बाहर निकल रहे हैं. यही मसाज लिया जस्ट अभी क्योंकि बॉडी बहुत टाइम से मतलब थकान में थी क्योंकि कल भी हम जस्ट लैंड हुए हैं और मैं 2 दिन से सोया नहीं था. एंड आफ्टर दैट आज भी बहुत भागा दौड़ी रही पूल में कैलोरीज बन के, उसके बाद तो मज़ा ही आ गया मसाज सा लेके. और अब बहुत तेज़ भूख लगी थी, वो तो भाड़ में पता भी नहीं लगे क्या सीन था क्या नहीं हुआ. अब अभी भी पता नहीं लग रहा, पहले हमारी बहुत ज़्यादा पेट में पता लग रहा था. अब मसाज लेते टाइम बहुत रिलैक्सिंग था, फिर स्टीम एंड स्टफ लेते. एंड आफ्टर दैट अब हम निकल रहे हैं कुछ खाना खाने. और अभी टाइम 10:30 हो रहे हैं. 10:30 सो दिस वॉज द प्लेस जहाँ पे हम रुके थे अभी कुछ खाने के लिए. भूख जो लग रही थी बहुत तेज. इसका नाम है ब्राउन टाउन रीगल. ब्राउन टाउन रीगल नाम है. और खाना यार हमने स्नैक्स ऑर्डर किए थे, स्नैक्स एज इन एक पिज्ज़ा और एक पास्ता. पिज्ज़ा काफ़ी अच्छा था, पास्ता इतना अच्छा नहीं लगा. बट ये स्ट्रीट काफ़ी हैपनिंग सी है और बड़ी हैपनिंग सी जगह थी ये भी, और इसी वजह से हम यहाँ पर रुके भी थे क्योंकि यहाँ पे लाइव म्यूज़िक प्ले हो रहा था जो कि बाद में बंद हो गया क्योंकि ऑब्वियसली हम टाइम लेट हो गया था. एंड अब हम जा रहे हैं पेट भरने के लिए कुछ, क्योंकि ऑब्वियसली नॉर्थ इंडियन में भी दाल मखनी और नान वगैरह फाड़ेंगे. अब वहाँ से निकल के 1.5 मैक्सिमम 2 किलोमीटर हैं. 4 बारी रुक सके रखते हैं. बारिश आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, क्या करें भाई. कितनी पता नहीं कितनी बारी रुकेंगे भाई, कितनी बारी. अभी आगे सुपर मार्केट रुकना है, यहाँ से होटल भी 2.5 किलोमीटर है. क्या करें, ऐसी तो रातें ख़राब होती हैं. जहान भर का घूम फिर आए, खाना दोबारा खा लिया क्योंकि नॉर्थ इंडियन खाना था. खा के वापस क्या करने आ रहे हैं, टीटी खेलने जा रहे हैं. टीटी ये टाइम ये देख लो, अंधेरा भी इतना है. फटी फटी अंदर कोई सो रहा था, अंदर कोई सो रहा था. चलो भाई रूम में चलो, रूम में चलो. नींद जगा दिया फालतू में किसी की. सो बेसिकली आज का दिन खत्म हुआ सारे बीचेस के साथ जो हमने सुबह किया, क्योंकि पहले सोच लिया था कि गीले होना ही है तो फिर सारा कुछ मतलब कवर कर ही लें. बीचेस आज सारे कवर कर लिए, सारे आज इन 4 ही किए जो मेन है. अब हमारा रहता है अगोंडा या अगवाड़ा फोर्ट जो भी है. अरम्बोल बीच भी हम चाहते थे करना बट वो काफ़ी दूर था. और हम शाम को भी कुछ चीज़ें ढूंढते ढूंढते गए थे, जैसे हमने मतलब बताया मसाज कराई थी. फिर उसके बाद हम कुछ बस खाने वाने चले गए. दैट सम्स अप आवर डे. एंड कल देखो क्या प्लान्स है, कल क्या करते हैं. ऑब्वियसली सुबह उठ के कल में भी हम कार भी हायर करेंगे बारिश की वजह से, क्योंकि हम नहीं चाहते कि बारिश कहीं घूमने जाने का प्लान हमारा स्पॉइल करे. सो लेट्स सी कल कैसे प्लान अप करते हैं हम पूरा दिन. आज का भी दिन बेसिकली अच्छा रहा काफ़ी. और ऑब्वियसली एक हिंड्रेंस ही है जो बारिश कर रही है, बट कल प्रॉबेबली हम गाड़ी कार ले लेंगे और वो सारा सॉर्ट हो जाएगा. एंड कल सैटरडे है तो मोस्ट प्रॉबेबली मोस्ट ऑलमोस्ट डन है कि हम क्लबिंग जाएंगे. लेट्स सी कौन सा क्लब, वो भी माइंड में है कि 2-3 क्लब्स जो हमने सोच रखे हैं कल क्लबिंग जाना ही है. ऑब्वियसली वहाँ कैमरा ले जाने का फ़ायदा नहीं होगा तो वो आपको ज़्यादा दिखेगा नहीं, बट जितना हो पाएगा हम आपको दिखा देंगे. एंड टिल देन फाइंड योर ओन रीज़न टू स्माइल, बट डू स्माइल एवरी डे.